नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिरकार अपनी राजनीतिक पार्टी के सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है। इस साल 31 दिसंबर को रजनीकांत अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे और फिर अगले साल जनवरी में इसे लॉन्च करेंगे। ये जानकारी रजनीकांत ने खुद ट्वीट करके दी है। सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि हम निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हम एक ईमानदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और आध्यात्मिक राजनीति करेंगे। एक आश्चर्य और चमत्कार निश्चित रूप से होगा। रजनीकांत के राजनीति में आने की चर्चा काफी दिनों से है। दरअसल तमिलनाडु में अप्रैल मई 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले महीने रजनीकांत ने कहा था कि 2016 में अमेरिका में उनका गुर्दा प्रत्यारोपित हो चुका था और कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर चिकित्सक चाहते थे कि वो राजनीति में ना आए। रजनीकांत 31 दिसंबर 2017 को आध्यात्मिक राजनीति करने और 2021 में तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने के अपने फैसले की घोषणा की। रजनीकांत ने उस समय कहा था कि राजनीति में उनका प्रवेश समय की मांग है क्योंकि देश की राजनीति गलत दिशा में जा रही है। रजनीकांत ने टिप्पणी की थी कि पहले के राजा अन्य देशों पर आक्रमण करते थे और उन्हें लूटते थे, लेकिन आजकल राजनीतिक दल लोकतंत्र की आड़ में अपने ही लोगों को लूट रहे। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम खराब है और इसका बदलाव जरूरी है। 2017 के बाद रजनीकांत ने कुछ मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। तूतीकोरिन में एंटी स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट के विरोध में पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की हत्या के मद्देनजर उन्होंने कहा था कि हर चीज के लिए विरोध प्रदर्शन हो गया तो तमिलनाडु एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो भाजपा के माउथ पीस नहीं है और उन्हें भगवा रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है। सुपरस्टार रजनीकांत फिल्मों में तो सुपर हिट हुए हैं, देखना यह होगा कि उनकी राजनीतिक पारी कितनी सफल होती है। ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।